सद्गुरु कबीर ने बीजक में एक पद कहा है, घर ही में बाबुल बाढ़ल रार, उठ उठ लागल चपल नार, एक बड़ी जाके पांच हाथ, पांचों के पच्चीस साथ, पच्चीस बतावें और बतावें कई एक ठौर, अंतर मध्य अंत ले, झकझोरी झोरा जीव ही दे, आपन आपन चाहे भोग, कहो कैसे कुशल परी है योग, मुख फार हसे राव रंग, ताते धरे न पावे एको अंग, नेरे न खोजे बतावे दूर, चौदिस बागुल रहल पूरी, लक्ष अहेरी एक जीव, ताते पुकारे पीव पीव, अब की बार जो होए चुकाओ, कहें कबीर ताकि पूरी दाव। सद्गुरु कबीर कहीं बैठे लोगों से ज्ञान चर्चा करते रहे होंगे, तो किसी ने आकर के कहा, साहेब अमुक लोग अमुक जगह आपस में बहुत झगड़ा कर रहे हैं। साहब ने कहा कि तुम बाहर के झगड़े की बात क्या करते हो, घर ही में बाबुल बाढ़ल रार। भाई घर में ही झगड़ा मचा है। बाबुल का ऐसे अर्थ होता है पिता, लेकिन सम्मान की दृष्टि से, मर्यादा आदर दृष्टि से अपने से अन्य बड़ों को भी बाबुल कह दिया जाता है, लेकिन बाबुल का मुख्य अर्थ पिता होता है। या पिता से मतलब नहीं है, साहब संबोधन करते हैं प्यार से, हे भाई तुम बाहर झगड़े की बात क्या कर रहे हो, झगड़ा तो घर में ही मचा हुआ है, घर घर। अब वो घर कौन? हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय। हर आदमी के घट भीतर कलह द्वंद्व झगड़ा मचा हुआ है। झगड़ा पहले बाहर नहीं होता है, भीतर होता है। जिसके मन में कलह नहीं होगा, द्वंद्व और झगड़ा नहीं होगा, वो बाहर कलह द्वंद्व और झगड़ा कैसे करेगा? जब तक भीतर का कलह द्वंद्व झगड़ा नहीं मिटेगा, तब तक बाहर का कलह मिट नहीं सकता है। बाहर का झगड़ा मिट नहीं सकता, सब बाहर के झगड़े को सुलझाना चाहते हैं, किंतु अपने भीतर जो द्वंद्व मचा हुआ है, झगड़ा मचा हुआ है रात दिन, उसे मिटाने के लिए कोई सोचता नहीं है। लोक कल्याण की बातें सुनने में, कहने में अच्छी लगती है,
जितना संभव हो लोक कल्याण का काम करना चाहिए, जैसी शक्ति हो कर सके। लेकिन आत्मकल्याण के बिना लोक कल्याण का काम संभव ही नहीं है। आत्म सुधार के बिना लोक सुधार कैसे हो सकता है? प्रीतम नगर में जब रहना होता था तो गुरुदेव जी से मिलने के लिए तीन युवक आए, बड़े उत्साही थे तीनों। उत्साह होना भी चाहिए आदमी के भीतर। उन युवकों ने कहा, महाराज हम लोक कल्याण लोक सुधार का काम करना चाहते हैं, हमें मार्गदर्शन चाहिए कैसे करें। गुरुदेव जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात, तुम तीनों युवक हो और तुम्हारे मन में उत्साह है लोक सुधार लोक कल्याण के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये बताओ, क्या तुम लोगों ने अपना कल्याण और अपना सुधार कर लिया है? फिर पूछा गुरुदेव जी ने, ये बताओ तुम लोग कोई बीड़ी सिगरेट गुटखा आदि खाते पीते कि नहीं खाते पीते? तो तीनों ने कहा, हाँ महाराज हम लोग बीड़ी पीते हैं। तो कहा, अपना कल्याण नहीं कर रहे पर पाओ, लोग का कल्याण करोगे? पहले जो आदमी अपनी आदत को सुधार नहीं पाया, नशे दुर्व्यसन का शिकार है, वो जहां जाएगा वही तो फैलाएगा, कौन सा लोक कल्याण होगा? पहले अपने मन को ठीक करो, अपनी इंद्रियों को ठीक करो, अपनी आदतों को ठीक करो, स्वभाव को ठीक करो, कर्म को ठीक करो, पूरी जीवन को व्यवस्थित कर लो, तब तो लोक कल्याण का काम कर पाओगे। तो लोक कल्याण का काम हम करना चाहते हैं, अच्छी बात है, करो, करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपना सुधार। हम सुधर गए तो समाज का एक अंग सुधर गया। उसी के लिए सदगुरु कहते हैं, पहले अपने घर का झगड़ा सुधारो। हम सुधारना चाहते हैं दूसरे को, क्यों? क्योंकि वो लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं, बिगड़ गए हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर हम सबते बुरे, सबसे बुरे तो हम हैं, अपनी बुराई को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे की बुराई को ठीक क्या करेंगे। तो घर ही में बाबुल बाढ़ल रार। सदगुरु कहते हैं, तुम्हारे घर में ही, तुम्हारे अंतःकरण में ही द्वंद मचा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष तनाव राग बैर विरोध कलह अशांत, क्या इनको दूर कर पाए हो? ये झगड़ा मिटा है? नहीं मिटा है तो बाहर सुधार क्या करोगे? उठी उठी लगल चप्पल नार। तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारे घर के भीतर चंचल स्त्रियां उठ उठ करके द्वंद मचा रही है। इन स्त्रियों में साहब कहते हैं, एक बड़ी जाके पांच हाथ, पांचों के पच्चीस सात। एक स्त्री बहुत बड़ी है, बड़ी से मतलब बलवान जबरदस्त, और उसके साथ सहयोग करने वाली पांच नारियां और हैं, और उन पांचों का सहयोग करने वाली पच्चीस हैं, पांचों के पच्चीस सात, पच्चीस बतावें और पच्चीसें भी और बातें बताते हैं। ताते धरे न पावे एक ठोर, इसलिए कल्याण का एक अंग सुधार का एक रास्ता भी मिल नहीं पाता है। तो एक बड़ी, एक नारी, एक स्त्री बहुत जबरदस्त
वो कौन है? तृष्णा, वासना। ये बाहर की नारी नहीं, ये स्त्री पुरुष वाली नारी नहीं है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबको परेशान करने वाली नारी है तृष्णा, वासना। सब उसी के अधीन होकर नाच रहे हैं। और तृष्णा हर जगह अपना घर बना लेती है। तृष्णा का अर्थ है अधिक अधिक की चाहना। जो मिला है उसमें संतोष न रख करके और मिले और मिले और मिले, बस और की चाहना करते करते आदमी उलझता चला जाता है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ से चीजें बढ़ती चली जाएंगी, वो बात अलग है, स्वाभाविक। श्री पूरन साहब ने बैराग शतक में कहा है, निर्धनिक कछु धन चहे, धनिक चहे विशेष, विशेष हूँ विशेष चहे होवन चहे नरेश, नरेश चहे इंद्रपद, इंद्र चहे रणजीत, असुर चहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। बाहर की चीजों से तृष्णा कभी पूरी होने वाली नहीं। जितना भोगों को भोगो, जितना सिनेमा देख लो, आंखें तृप्त ना होगी, मन तृप्त ना होगा। जितना सुंदर से सुंदर गाने सुन लो, कान तृप्त नहीं होंगे। कितना सुंदर से सुंदर स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन खा जाओ, जीभ तृप्त ना होगी, बल्कि और अच्छा मिले और अच्छा मिले ललायत रहेगी। ऐसे हर बात के लिए सोच लो, इतना धन मिल जाए, जब उतना मिलेगा तब इतना और होना चाहिए, वो हो गया तब इतना और होना चाहिए। फिर तो ये मन होता है कि पूरे ब्रह्मांड पर मेरा ही शासन हो। तृष्णा का कोई ठिकाना है? तो ये एक बड़ी वासना तृष्णा, ये बहुत जबरदस्त स्त्री है। इसको जिसने बस में कर लिया, जिसने अपने भीतर की तृष्णा वासना रूपी नारी को बस में कर लिया, वो बादशाह हो गया। झोपड़ी में रह करके भी बादशाह है, त्रिप पूरी दुनिया का मालिक, और नहीं तो गुलाम। श्री ज्ञान साहब प्राय उदाहरण दिया करते हैं, और संत भी पहले उदाहरण देते थे, गुरुदेव जी बहुत पहले कहा करते थे, ताश का खेल आप लोग जानते होंगे। उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिसमें चिन्ह बने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 जैसा भी हो, और 3 ऐसे पत्ते होते हैं जिसमें चित्र छपे होते हैं, जिसमें एक को गुलाम कहा जाता है, एक को बेगम और एक को बादशाह। जो बेगम से हार जाए वो गुलाम, जो बेगम को जीत ले वो बादशाह। रूपक बेगम है ये वासना और तृष्णा, इंद्रियां। जो वासना तृष्णा से हार गया वो गुलाम बन गया, जो वासना तृष्णा को जीत लिया, वासना तृष्णा को शांत कर लिया, वो बादशाह बन गया। गृहस्थों में तृष्णा है, इतना हमारा धन बढ़े, इतना हमारा खलिहान बढ़े, इतना हमारा मकान बढ़े। साधुओं तृष्णा है, कितना हमारा मठ बढ़े, इतना हमारा प्रचार बढ़े, इतना हमारा सम्मान बढ़े। तृष्णा तो तृष्णा, मन में तृष्णा है ना, तो साधु हो चाहे गृहस्थ हो, कितना सम्मान मिल जाए, कितना सम्मान मिल जाए, मन पूरा नहीं होता। लगता है कि जैसा चाहिए वैसा सम्मान नहीं हुआ, जैसी चाहिए वैसी आवभगत नहीं हुई, जैसी चाहिए वैसी सुविधा नहीं मिली, जितना चाहिए था उतना सुनने वाले लोग नहीं आए, आए तो लेकिन कम लोग हमें सुनने वाले आए। अब दुखी हो गए बाबा जी महाराज,
औरों को संतोष का पाठ पढ़ाने गए हैं, अपना दुखी हो रहे हैं। तो ये जो बड़ी है वासना तृष्णा सबको परेशान कर, सबको रगड़ रही है। अब वासना तृष्णा कहाँ है? घर के भीतर, घटके में, अंतःकरण हृदय में ही है। तो एक बड़ी जाके पांच हाथ, पांचों के 25 साथ। ये तृष्णा बढ़ाने वाली कौन है? इसकी सहायिका पांच नारी, आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, ये पांच ज्ञानेन्द्रियां। जब तक जीवन है तब तक आंखों से देखना होगा, कानों से सुनना होगा, जीव से स्वाद ग्रहण करना होगा, नाक से सांस लेना होगा, सूंघना होगा, त्वचा से ठंड, कठिन, कोमल स्पर्श का स्पर्श होगा ही होगा। जीवन पर्यंत इन पांचों ज्ञानेन्द्रियों का उपयोग करना होगा। सब मजबूर है, ज्ञानी अज्ञानी सब। तो जीवन निर्वाह के लिए उपयोग करें तो ये इंद्रियां कल्याण में, सेवा में, साधना में सहायिका बन जाएंगी। लेकिन जब इनको भोग दृष्टि से भी उनका प्रयोग करते हैं, ललचाई हुई दृष्टि से सुख मान मान करके इनके विषयों को ग्रहण करते हैं, तब भी यही इंद्रियां हमारे लिए बंधन कारण बनती है, वासना तृष्णा बढ़ाने वाली होती है। शाह तो देख रहे हैं, यहां स्त्री पुरुष सब बैठे हुए हैं, शायद एक दृश्य तो देख ही रहे हैं, लेकिन कल्पना करो, यहां हम लोग आए हुए हैं जितने सब हैं ध्यान साधना करने के लिए, और इसी समय बगल का जो हाल है जहां लोगों का आसन लगा हुआ है, वहां एक बड़ा पर्दा लगाकर या टीवी लगा करके कोई सिनेमा चालू कर दिया जाए, किसी नर्तकी का नृत्य शुरू करके दिखाया जाए और कह दिया जाए कि जिसका जहां मन हो, तो 50% अधिक लोग चले जाएंगे, जो जाएंगे उनका भी मन होगा, अरे हम भी गए होते तो देख लेते, यहां देख रहे हो उसमें मन संतोष नहीं है, मन वहां दौड़ता, यही तो तृष्णा है। अनेक बार अनेक सुंदर से सुंदर स्त्री पुरुष का रूप देख चुके हो, तृप्त हो गई आंखें, ललचाती नहीं चल है कि नहीं ललचाती है, हजारों गीत सुन चुके हो, कान तृप्त हुए हैं, और बढ़िया गीत सुने, और बढ़िया गीत सुने, और बढ़िया गीत सुने। ये पांचों इंद्रियां से जब हम सुख मान मान करके किसी विषय को ग्रहण करते हैं तो वासना बढ़ती है, तृष्णा बढ़ती है, फिर शांति से बैठने नहीं देती। इनके साथ पांचों के 25 साथ, पांचों इंद्रियों के 25 सहायिका हैं, 25 प्रकृतियां। अब इनका नाम बताने की जरूरत नहीं है, यहां पर बीज व्याख्या में इनका वर्णन अन्य जगह आया हुआ है, अन्य जगह भी 25 बतावे और बतावे कई अठो, ये 25ों और बताते हैं। अनेक प्रकार के दुर्गुण, दुर्व्यसन कहां कहां, कैसे कैसे दुर्व्यसन आदमी ग्रहण कर लेता है, क्या क्या अनर्थ आदमी करने लग जाता है। नाच रंग खेल तमाशे, ताश जुआ, क्या मिलने वाला है? ताश खेलते खेलते 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा बीत गया, छोड़ने का मन नहीं होता है। कई जगह जाना होता है तो देखते हैं एक चौराहे पर बैठ करके किस लोग ताश खेल रहे हैं, 4 घंटा बाद दौड़ते तो वो तो भी वही ताश खेल रहे हैं। उनसे कहो भैया सत्संग में रात फुर्सत नहीं है। तो कैसे कैसे मन की तृष्णा, मन की चालाकी कहां कहां ले जाकर उलझाती है, आप स्वयं सोच लें।
क्यों? ये भीतर झगड़ा मचा हुआ है, सुख पाने का जो लोभ है यही झगड़ा मचा रहा है। सुख मिले, इस सुख का लोभ सबसे बड़ा झगड़ा। और जितना सुख का लोभ बढ़ता है, इंद्रियों का हम गलत उपयोग करते हैं, और जितना गलत उपयोग करते हैं उतनी हमारी तृष्णा बढ़ती है, वासना बढ़ती है, इच्छाएं और कामनाएं बढ़ती है, फिर द्वंद पर द्वंद शुरू हो जाते हैं। काम तो करना पड़ेगा जीवन भर, खाना पीना भी पड़ेगा, देखना सुनना भी पड़ेगा, बोलना चालना भी पड़ेगा, लेकिन मात्र जीवन निर्वाह और सेवा के लिए उपयोग करें तो कहीं द्वंद का अवसर नहीं आएगा। सुख का लोभ और अधिकार की भावना, ये दोनों जितने बढ़ेंगे उतना कलह होगा, द्वंद पड़े, चाहे घर में कर लो, चाहे गृहस्थी में करो, चाहे विरक्ति में करो। घर में चार भाई हैं, चारों भाई सेवा करें, अपना अपना काम करें, खाने को मिलेगा सब, सब अपना अपना काम करते जाएं, काम करते जाएं, और जो हो सब मिल बैठ करके खाएं पिए, इकट्ठा सब जगह रख दें, कला नहीं होगा। लेकिन चारों भाई, मुझे ज़्यादा सुविधा मिले, मेरा ज़्यादा अधिकार हो, सोच ले फिर क्या होगा, कला द्वंद्व। जहाँ निर्वाह और सेवा की भावना है वहाँ कहीं कलह नहीं होगा, चाहे दो हो चाहे 200 हो। और जहाँ सुख का लोभ और अधिकार की भावना है वहाँ कलह होगा, चाहे दो ही आदमी क्यों ना साथ में हो। यही तो झगड़ा है, सुख का लोभ और अधिकार की भावना। तो क्या होगा, 25 बतावें और बतावे कई फिर कहाँ कहाँ ले जा करके हमारे मन की वृत्तियां हमें उलझा देती हैं। परिणाम क्या होता है, अंतर मध्य अंत ले, झकझोरी झोरा जीव ही दे। ये वासना तृष्णा, इंद्रियों की गलत आदतें, अंतर भीतर अंतकरण में घुस करके अंत ले, अंत करता है सर्वस्व, सब कुछ हमारे मन की शांति को, सुख चैन को सब छीन लेती है। जितनी तृष्णा बढ़ेगी, इंद्रियों की लोलुपता और लंपटता बढ़ेगी, उतनी हमारी शांति, हमारा सब कुछ हरण होता चला जाएगा। झकझोरी झोरा जीव ही दे, उतना जीव झकझोर में पड़ा रहेगा, आंखें रूप देखने ललचा रही, कान सुनने को, जीव खाने को, झकझोरती रहेगी ये वासना, और चाहो बैठने नहीं देगी शांति से। सब कुछ हरण कर लिया गया ना, जिसका विवेक नष्ट हो गया, जिसके भीतर की स्वस्थता नष्ट हो गई, निश्चिंतता नष्ट हो गई, वो आदमी चैन से न सो पाएगा न खा पाएगा, हमेशा झकझोर में पड़ा रहेगा। अब तक की बीते जीवन में आप स्वयं भी अनुभव करके देख सकते हो, आपन आपन चाहे भोग, कहो कैसे कुशल परी है योग। सभी इंद्रियां अपना अपना भोग चाहती है, आंखें रूप देखना चाहती है, कान शब्द सुनना चाहते हैं, नाक गंध चाहती है, जीव स्वाद चाहती है, त्वचा इस कोमल सुखद स्पर्श चाहती है। एक घर में 5 लड़के हों, साहब ने सब प्रकरण में कहा है, संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठ उठ लागे, 5 ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक सवादी, कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरा दी। 5 लड़के हैं और एक उनकी माँ है। एक लड़का कहता है, माँ नहीं, मैं तो आज केवल हलवा ही खाऊंगा, हलवा के अलावा कुछ नहीं खाऊंगा। दूसरा लड़का कहता है, नहीं मैं हलवा नहीं खाऊंगा माँ, मेरे लिए तो मालपुआ बनाओ, मालपुआ बनेगा तभी खाऊंगा, नहीं तो मैं खाऊंगा नहीं। तीसरा कहता, नहीं मेरे लिए तो बनाना पड़ेगा, रसगुल्ला बनाना पड़ेगा।
चौथा कह रहा है नहीं मेरे लिए जलेबी बनाओ, और पांचवा कह रहा है मेरे लिए तो रसमलाई बनाओ। अब माँ बेचारी क्या करे, किसको किसको संतुष्ट करे, और घर का माली भी किसके किसके लिए व्यवस्था करेगा, परेशान होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही वो पांच लड़के बाहर नहीं हैं, बाहर भी हैं, वो पांचों लड़के हैं हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां। कितना सुंदर से सुंदर रूप देख लो, कान कहेगा यार मजा नहीं आया, कुछ सुनने को मिला ही नहीं। दिन भर तुम गीत सुनते रह जाओ, एक से सुंदर का गीत, कान कहेगा यार कितना सुनने का आया, जीभ कहेगा अरे तुम्हारे धरे रहो सबों को, हम भूखों मर रहे हैं, हमें खाने को कुछ नहीं मिला। तो जीव को तो स्वाद चाहिए। अब एक बेचारा जीव किस किस को पूरा करे, तो आपन आपन चाहे भोग, पांचों ज्ञानेंद्रियां अपने अपने भोगों के लिए ललचा रही हैं, दौड़ रही है। कहो कैसे कुशल परी हैं योग। अब बताओ जब इतना झकझोर है तो योग का काम कैसे बनेगा, सेवा शांति साधना का काम कैसे बनेगा, और घर का मालिक सुख से सो कैसे पाएगा, किस किस को समझाएगा। जो आदमी जितने अधिक इंद्रिय लंपटता में पड़ेगा उतना वो अशांत रहेगा और घर वाले परेशान रहेंगे। घर का मालिक रोज कहे आज ऐसा भोजन बनाओ, आज ऐसा भोजन बनाओ, और वो शिकायत करे क्या तुमने नमक डाला, क्या तुमने मिर्च डाला, क्या कुछ ये करेगा, भोजन बनाने वाली क्या करेगी, परेशान हो जाएगी। कितने घर वाले ऐसे होते हैं, कितने घर के मालिक उनकी पत्नी एकदम परेशान रहती है, क्योंकि चाहे वो जैसा भोजन बनाकर दे वो खुश नहीं होता है, शिकायत हमेशा शिकायत। क्यों शिकायत भीतर है, जहां रात दिन कला है वहां सुख से को लोग जिएंगे कैसे। अपने कहो कैसे कुशल परी है योग। योग का अर्थ यहां पर मन की शांति, स्वस्थता, सुख, विकास। तो जो आदमी जिस लंपटता में रहेगा, स्वाद लंपट है शरीर, बीमार रहेगा, देखने की लंपटता है, अधिक देखो सिनेमा आंखें कमजोर हो जाएगी जल्दी, हर चीज के लिए ले लो, चाहे काम भोग की लंपटता हो, चाहे सम्मान भोग की लंपटता हो, चाहे खाने की लंपटता हो, चाहे देखने की लंपटता हो, जिस विषय में जहां लंपटता रहेगी न शरीर स्वस्थ रहेगा, न मन स्वस्थ रहेगा, न भौतिक विकास होगा, न आध्यात्मिक विकास होगा, सब तरह से केवल पतन 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 के अलावा कुछ बचेगा नहीं। तो आपन आपन चाहे भोग, कहो कैसे कुशल परी है योग। सब तरह से खींचतान में पड़ा हुआ आदमी सुख से जिएगा कैसे। मुख फारी हंसे राव रंग ताते धन, विवेक विचार न करें कोई, सब कलक तमाशा देखें लोग, सब लोग दुनिया का तमाशा देख रहे हैं, कोई विवेक विचार नहीं करता। थोड़ा सा विवेक कर ले, थोड़ा सा विचार कर ले कि आज तक तृप्ति नहीं मिली तो आगे तृप्ति कैसे मिलेगी, जीवन का लक्ष्य क्या है। थोड़ा विवेक करो, विचार करो, ये जीवन क्यों मिला है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और शाश्वत शांति की प्राप्ति, यही जीवन का लक्ष्य है और कुछ नहीं है। कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ एफ्लिक्शंस,
एंड द एक्वायरिंग एंड द एक्विजिशन ऑफ लास्टिंग पीस इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. कंप्लीट इरिटेशन, दुखों की अत्यंत निवृत्ति और शाश्वत शांति की प्राप्ति. विवेक करते हैं, विचार करते हैं, इतना धन नहीं मिला, ऐसा खाने को नहीं मिला, अमू जगह देखने को नहीं मिला, ऐसा पद नहीं मिला, इसके लिए तो चिंता होती है. कितनी बार आपके मन में चिंता हुई कि जिथे शांति चाहिए वो शांति नहीं मिली? कितनी बार आपके मन में चिंता हुई कि मैंने आज तक अपने को अपने बस में क्यों नहीं किया, मेरा मन निर्मल क्यों नहीं हुआ? कभी सोचा आपने, कभी इसके लिए दर्द हुआ मन में, कभी बेचैनी हुई? ये बेचैनी नहीं हो पाती है. बस सब खलक तमाशा देखे लोए, सब लोग खाली तमाशा देखने में लगे हुए हैं, बाहर का तमाशा. कोई विवेक नहीं कर पा रहा है, कोई विचार भी नहीं करता कि हम चाहते तो सुख हैं, फिर भी हमें दुख क्यों मिलता है? कहां से आ रहा है दुख? कहां से पैदा हो रहा है हमारा दुख? कभी झांका भीतर? प्रयत्न है सुख के लिए, अनुभव है दुख का. क्यों, कहां भूल हो रही है? आदमी मान लेता है हम तो सुख पाने के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी हमें दुख मिल रहा है, तो जरूर कोई ना कोई ऊपर बैठा होगा, उसकी मर्जी होगी. फिर भटक गया. जो भी दुख आपके जीवन में आया है उसके मालिक आप स्वयं है, जिम्मेदार आप स्वयं है. आपकी भूल आपको दुख देती है, मेरी भूल मुझे दुख देती है. जिस दुख से हम परेशान हैं वो दुख हमारा अपना बनाया हुआ है. जब विवेक करेंगे, विचार करेंगे, तब ये बात समझ में आएगी कि हमारी भूल, हमारी गलती, हमारे मन की मलिनता, हमारी इंद्र लंपटता, दुखों का एकमात्र कारण यही सब है. और जब तक अपनी भूल स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उनका त्याग हो नहीं सकता है. भूल सुधार की दिशा में पहला कदम है भूल को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना. यदि हम अपनी भूल को, अपनी गलती को, अपने दोष को स्वीकार नहीं करते हैं तो कभी उनका त्याग नहीं कर सकते. इस बात पर विचार करते हैं. हर आदमी दूसरे को कह रहा है कि मैं उसके कारण से दुखी हूं, उसके कारण से दुखी. हर आदमी अपने दुख का कारण दूसरे को बता रहा है. यदि हमारे दुखों का कारण दूसरा है तो कभी हम दुख से मुक्त हो नहीं सकते, क्योंकि दूसरे सदैव बने रहेंगे. कभी विचार करते हैं, विवेक करते हैं इस बात पर. बस मुख फाड़ फाड़ करके, तृष्णा को वशीभूत हो करके दुनिया का तमाशा देखने में लगे हुए हैं. क्यों जीवन मिला है, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, सोचना ही नहीं है बिल्कुल एक क्षण के लिए भी. तो विवेक विचार न करे कोई. सदगुरु कहते हैं कोई विवेक विचार नहीं करता, ये भी विचार नहीं करता कि आतृप्त नहीं हुए इंद्रियों के भोगों को भोग कर तो आतृप्त कैसे हो पाएंगे. विवेक विचार न करें कोई, सब खलक तमाशा देखें लो. मुख फारे हते राव रंग, ताते धरे न पावे एको अंग. राजा हो चाहे रंग, सब मुख फाड़ फाड़ करके इंद्रिय भोगों का तमाशा देख रहे हैं. इसलिए शांति का, कल्याण का एक भी अंग, एक भी साधन, एक भी उपाय पकड़ नहीं पा रहे हैं. दृष्टि बहिर्मुख है,
मन सदैव बाहर की बातों को सोच रहा है, दूसरे लोगों को अधिकार में करने को सोच रहा है, तब दृष्टि ही बाहर है, मन बाहर भटक रहा है, तो कल्याण का शांति का एक भी अंग पकड़ने में कैसे आएगा, उसका उनका अनुभव कैसे होगा। रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा और भीतर झांकना पड़ेगा। दौड़ते दौड़ते भागते भागते तो सब समय बीत गया है, आज का समय भी बीता जा रहा है, कब तक भागते रहोगे, कहां तक दौड़ते रहोगे, कोई सीमा है या नहीं है। बाहर की दौड़ निस्सीम, वहां कोई सीमा नहीं है। दौड़ की समाप्ति जब भी होगी तब भीतर ही होगी, लेकिन भीतर की बात सोचने के लिए फुर्सत ही नहीं है। इसलिए मुख फाड़ हते राव रंग, राजा हो रंग सब मुख फाड़ फाड़ करके हंस करके दुनिया के भोगों में ही आनंद मार रहे हैं, उनको ही जीवन का लक्ष्य जीवन प्राण मार रहे हैं। प्रणाम ताते धरे न पावे एको अंग, कल्याण का एक भी अंग एक भी अंश एक भी साधन पकड़ नहीं पाते हैं। जो बाहर दौड़ रहे हैं वो कहां तक पकड़ेंगे। नेरे न खोजे बतावे दूर, चौदिस बागुल रहलपुर, सुख को शांति को मोक्ष को परमात्मा को ईश्वर को ब्रह्म को कल्याण को कोई निकट में नहीं खोजता, दूर बताते हैं। अब बाहर क्या है, चौदिस बागुल रहलपुर, बाहर तो चारों तरफ बागुल जाल वो फैला हुआ है, जहां जाओ जहां जाओ उलझने के जाल हैं, फंसने के जाल हैं, और एक बार जाल में उलझ जाओ फिर काट करके निकलना मुश्किल। चाहे आज इस बात को समझ लें, चाहे कल समझें, चाहे 10 जन्म चाहे 1,00,000 जन्म के बाद समझें, जो हमारा प्राप्तव्य है, हमारी मंजिल है, हमारा गंतव्य है, कुछ भी कह लो उसका नाम, वो दूर नहीं है निकट है। और निकट नहीं है, हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व है, अपना आपा है, लेकिन उसमें संतोष नहीं होता। दूर की बातें अच्छी लगती है, लोग कहते भी हैं अरे ये जीव हार मान के शरीर से लिपटा हुआ है, अल्पज्ञ किंचिज्ञ दुखी, ये कहीं शिव हो सकता है, ये कहीं ईश्वर हो सकता है, ब्रह्म हो सकता है। ईश्वर तो महान है, ब्रह्म तो महान है, उस महान ईश्वर से महान ब्रह्म से आपकी मुलाकात हुई है, किसी ईश्वर ने ब्रह्म ने आकर के अपनी महानता का परिचय दिया है। ईश्वर महान है, ब्रह्म महान है, परमात्मा महान है, ये कहने वाला लिखने वाला भी जीव ही है। जीव तुच्छ है, अल्पज्ञ है, किंचिज्ञ है, परिच्छिन्न है, नानत्व है, ये कहने वाला भी जीव ही है। क्यों? अपने स्वरूप का सही बोध न होने के कारण, सही ज्ञान न होने के कारण, और दूसरी बाहर भ्रांतिपूर्ण बातों को सुनने और पढ़ने के कारण। किसी भी गलत बात को जब बार बार दोहराया जाता है तो सच जैसे लगने लग जाती है, तो आदमी निकट नहीं खोजता, निकट में संतोष नहीं होता, दूर। लेकिन है क्या, जाने बिना दूर जाने को नजदीक देखो निरंतर में अप्रोच तस्दीक, नहीं जानते हो तो दूर है, जान लो तो नजदीक है, नजदीक नहीं आपका होना आपका अस्तित्व
आपका स्वरूप है। जब कभी भी ठहराव होगा तो अपने में भीतर लौटने से में ही ठहराव होगा, बाहर ठहराव कहीं हो ही नहीं सकता है। और वैसे ये बात पुराणों में, शास्त्रों में, रामायण में, भागवत में, गीता में अनेक जगह कही गई है, लेकिन पंडित पुरोहित लोग ये बात नहीं बताते। जब बात बताएंगे तो महिमा की बात बताएंगे, दूर की बात बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये बता दिया जाए कि जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है, कल्याण मोक्ष शांति जीव का स्वरूप है, तब उन पंडित पुजारियों से पूजा कौन करवाएगा? अब पूजा नहीं करवाएगा तो उन्हें दक्षिणा कैसे मिलेगी? दक्षिणा ही मिलेगी तो जिएंगे कैसे बेचारे? बात ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की नहीं है, बात दक्षिणा और जीव का की है। दूर है तो बीच में कोई बिचौलिया चाहिए, एजेंट, डायरेक्टर, मुलाकात होगी नहीं आपको, तो बीच में ये नाना मत के पंडित पुरोहित मुल्ला मौलवी पादरी साधु महात्मा बन जाते हैं एजेंट कि हमारे माध्यम से वहां तुम पहुंच सकोगे। ये जब तक ये एजेंटी चलती रहेगी ना तब तक भटकते रहोगे। ईश्वर से, ब्रह्म से, परमात्मा से, खुदा से, गार्ड से, सुख से शांति मिलने के लिए किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं है। बीच की आप स्वयं हैं, स्वयं को समझना होगा, अपनी दृष्टि खोलने पड़ेगी, अपने कदमों पर खड़ना पड़ेगा, अपने ओर लौटना पड़ेगा। नीरे न खोज बतावे दे, सदगुरु कबीर कहते हैं कोई निकट में नहीं खोजता, दूर बताते हैं, और दूर की बात निराशी है। हाजिर ते दूर बतावे, दूर की बात निराशी। सदगुरु कबीर कहते हैं जो हाजिर हुजूर है हर समय विद्वान, उसको बताते हैं दूर में मिलेगा वो, और दूर की बात केवल निराश करने वाली है। जितना कितना दूर, उस दूरी को की सीमा है या नहीं है? कोई सीमा नहीं है बाहर दूरी की। जितना जाओ, जितना जाओ, जितना जाओ, दूर 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 होता चला जाएगा। जो हाजिर हुजूर है उसे दृष्टि लौटाओ, बस दृष्टि घुमा लो, जिसे खोज रहे थे वो मिल गया, मिल क्या गया है ही, उपस्थित ही है। दृष्टि बाहर थी इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा था, थोड़ा सा सिर झुका लिए दिखाई पड़ गया। सदगुरु कबीर बार बार कहते हैं इसलिए कहीं बाहर न भटको, कहीं बाहर न भटको, समझो अपने को, रुको, झांको भीतर, वहां सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन लक्ष्य अहेरी एक जीव, ताते पुकारे पीव पीव। एक जीव है, लाखों शिकारी हैं और सब बाण चला रहे हैं उस एक जीव पर, क्या करे बेचारे, कहां से बचाए, किधर भागे, चारों तरफ तो है ही। काहे हरनी दुबरी यही हरियरी ताल, लक्ष्य अहेरी एक मृग केतरी टारों भाल। विजय साखी प्रगण साहब कहते हैं एक हरा भरा तालाब है, चारों तरफ घासें उगी हुई है भरपूर पर्याप्त मात्रा में, तालाब में शीतल स्वादिष्ट निर्मल जल भरा हुआ है। ऐसे हरे भरे तालाब में जहां पानी भी पर्याप्त मात्रा में है, चारा भी पर्याप्त मात्रा में है, रह करके हिरनी दुबली है, एकदम दुबली। किसी ने पूछा हिरनी से, ए हिरनी, ऐसा सुंदर तालाब चारों ओर घास उगी हुई है, तालाब में सुंदर मीठा जल भरा हुआ है, न खाने की कमी न पीने की कमी, फिर भी तुम दुबली क्यों हो?
तो हिरनी कहती है मैं अकेली एक हिरनी मृग और चारों तरफ शिकारी बांध लेकर के जाल लेकर के खड़े सब मुझे बांध रहा कहां कहां भागूं अपनी जान बचाऊं कि चारा चरूं कि पानी पीऊं। जान बचाना ही जहां मुश्किल है वहां चारा चरने का अवसर कहां है। सदगुरु कबीर अपनी बात रूपक में कहते हैं, बात यहां हिरनी से नहीं है, बात मनुष्य से है। ये मनुष्य शरीर हरा भरा तालाब है, कल्याण के लिए आत्म शांति मोक्ष के लिए जितनी सामग्री चाहिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। स्वस्थ शरीर मिला है, सबल इंद्रियां मिली है, सोचने विचारने के लिए मन मिला है, निर्णय करने के लिए बुद्धि मिली है, क्या सच क्या झूठ समझने के लिए परखने के लिए विवेक मिला है, संत मिले हैं, गुरुजन मिले हैं, खाने पीने पर तो सामग्री मिली है, सदग्रंथ मिले हैं, पूरा मिला हुआ सब कुछ, फिर भी जी दुखी क्यों? मनुष्य दुखी क्यों? सब तरफ बांध चलाने वाले हैं, जो संसारी नर नारी हैं वो विषय वासना का पार पढ़ हम कब बांध मार रहे हैं, जहां देखो जहां चारों तरफ ऐसी ऐसी बात लोग कहते हैं जिसे सुन करके मन विकारी हो, ऐसे ऐसे दृश्य हैं जिन्हें देख करके मन विकारी हो, ऐसे पार बढ़ाने वाले हैं जिन्हें सुन करके मन विकारी हो। यहां से हर जा धर्म क्षेत्र में जाओ तो तमाम गुरु हैं, मुल्ला हैं, मौलवी हैं, पादरी हैं, पंडित हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, कहते हैं भैया भगवान को पुकारो, रो, गिड़गिड़ाओ, पूजा करो, पाठ करो, वहां भी भ्रम की बात बताने वाले। कहां से सुखी हो जीव, कहां से सुखी हो मनुष्य? अपने आप को विषय वासना से बचाए कि भ्रांति से, कल्पना से बचाए? सब तरह से बाल मार रहे हैं, बैगा अपनी ओर खींच रहे हैं, नाव तो अपनी ओर खींच रहे हैं, ज्योतिषी अपनी ओर खींच रहे हैं, तांत्रिक अपनी ओर खींच रहे हैं, पंडित पुजारी अपनी ओर खींच रहे हैं, तमाम तो लोग हैं अपनी ओर खींचने वाले। बैगा कहता है भाई तुम्हारे ऊपर भूत लग गया, तुम्हारे घर में भूत लगा हुआ है, प्रेत लगा हुआ है, किसी ने टोना कर दिया है, झाट फूंक करवाओ। ज्योति कहता है भूत प्रेत नहीं है, ग्रह टेढ़ा है, ग्रह को सीधा करवाओ। पंडित कहता है तुम्हारा भाग्य खटा है, हम तो पूजा करवा लो। तांत्रिक कहता है ये सब कुछ नहीं भैया, ये तंत्र के पास है, हम तो तंत्र विद्या करवा लो। अब क्या करवाओगे? एक मनुष्य शिकारी लाखों, कहां कहां बचोगे? सदगुरु कहते हैं लक्ष्य अहेरी एक जीव ताते पुकारे पियो पियो। एक मनुष्य और चारों तरफ खींचने वाले, क्या करे बेचारा? घर में देखो लड़का है, पत्नी का बात की बात मानता है, माता पिता कहते हैं देखो हमारा पैदा किया लड़का कलक लाई जोरू का गुलाम बन गया है। माता पिता की बात मानता लड़का, पत्नी कहती हाँ मैं तो पराई घर की हूं ना, मेरी बात क्यों मानोगे, उनकी बात मानोगे। अब क्या करे, कहाँ जाए? बीच में खड़ा हो जाए पत्नी, उधर उधर माता पिता, फिर आधी बात आधी बात उसकी, आधी बात उसकी माने, क्या ये करेगा? क्या कहीं भी देखो हर जगह बात तो वही है। इतने झंझटे हैं, इतने उपद्रव हैं कि उनमें बचना मुश्किल, इसलिए जी पुकार रहा है हे भगवान, हे शिव, हे हनुमान, हे गणेश जी रक्षा करो, हे गुरु बाबा हमारी रक्षा करो। ताते पुकारे पीयू पीयू, सब पुकार रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ करने वाला है ऊपर है। तो आदमी कायर बन गया, नपुंसक बन गया, हमारे करने कुछ होगा नहीं, हम ना हमें वो शक्ति है, ज्ञान की शक्ति, धर्म की शक्ति, साधना की शक्ति, ऊपर वालों जब चाहेगा तब, गुरु महाराज जब चाहेगा तब, कायर बन करके बैठा हुआ है। जब तक अपने पैरों पर खड़े न हो गए किसी कुछ होने वाला नहीं है, सब पुकार रहे हैं, करना क्या है अपने को ये सोचो, किसमें कल्याण है, किसमें शांति है ये सोचो। पुकारने वाले पुकारे हुए,
सही बात सुनो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। जरा सी कमजोरी होगी आपको भटकाने वाले बाहर मिलेंगे, भीतर मिलेंगे। और जब तक ये भीतर का झगड़ा घर ही में बाबुल बाढ़ रहा है, ये भीतर का जो झगड़ा है, वासना का, तृष्णा का झगड़ा, लोभ का झगड़ा, अधिकार का झगड़ा, सुख पाने का झगड़ा, ये मिटेगा नहीं तब तक लाखों शिकारी बांध चलाते रह जाएंगे। कहाँ बचाओगे अपने को? एक जगह जाओगे दूसरी जगह फंसोगे, वहां जाओगे तीसरी जगह फंसोगे। क्यों? अपने पर विश्वास नहीं है। और जिस आदमी को अपने पर विश्वास नहीं है उस आदमी भटकाने वाले सदैव बाहर मिलते रहेंगे। अपनी सेवा पर, अपनी साधना पर, अपने ज्ञान पर, अपने पुरुषार्थ पर आपको विश्वास है, अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थ पर विश्वास है, आपको कोई भटका नहीं सकता है। इसलिए आपको जागना होगा, आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। जब तक अपनी आंखें नहीं खोलोगे तब तक सवेरा होने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं, अब की बार जो हो चुकाओ कहें कबीर ताकि पूरी दाओ। अब की बार चुकाओ कर दो, पूरा दांव तुम्हारा है। अब की बार पौ बारा है, चुकाव करना क्या है? ऐसा जीवन जियो कि सारी वासना तृष्णा को यहीं पर चुका दो। सेवा करो और साधना से चलो, जो मिल जाए संतोष रखो, हर समय तृप्त, हर समय तृप्त। इच्छा बनाओ ही मत, तृष्णा बनाओ ही मत, इंद्रियों के भोगों को देख देख करके ललचाओ ही मत। बस काम करना है, संतुष्ट रहना है। सारी इच्छाएं वासनाएं तृष्णा का यही चुकाव हो गया। आपने कर्ज लिया है, कर्ज नहीं पटाओगे, कर्ज लेने वाले परेशान करते रहेंगे, पटा दो निश्चिंत होकर के सो। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, आज मानव जीवन को पाकर जितने सारी वासनाओं को चुकाव कर दिया, सारी तृष्णा को मिटा दिया, संयम से वासनाओं का समन हुआ, संतोष से तृष्णा का समन हो गया, फिर समय शक्ति अनुसार से काम धाम अपना करते रहो, सेवा करते रहो, इसके लिए कौन मना करता है? तो जिसने इच्छाओं वासनाओं का यहाँ समन कर दिया, कहें कबीरता की पूरी दाव, उसका पूरा दाव, उसका मानव जीवन पाना सफल हो गया, उसके लिए उसका दुख सब समय के लिए खत्म। आज ही देख लो, जितना संतोष उतना दुख खत्म, जितना असंतोष उतना दुख ज्यादा, जितनी तृष्णा उतनी अशान, जितनी तृष्णा का शमन उतनी शान। ये तो नजरों नजर है, प्रत्यक्ष, इसमें किसी अनुमान कल्पना की बात नहीं है। और ये हमें ही करना होगा, चाहे आज करें चाहे कल करें। खाद बात यह है, बाहर का द्वंद्व तब खड़ा होता है जब भीतर द्वंद्व होता है। और भीतर का द्वंद्व क्या है? सुख का लोभ, अधिकार की चाहना। बस ये दोनों खत्म कर दो, कहीं भी, चाहे गृहस्थी में रहे, चाहे विरक्ति में रहे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिसने अपने भीतर सुख का लोभ और अधिकार की चाहना को मिटा दिया, उस सारा चुकाव हो गया, सारा झगड़ा खत्म हो गया, उसका पूरा दांव लग गया, मानव जीवन पाना सफल हो गया। सदगुरु कबीर का एक पद, ये बीजक बसंत प्रकरण में है, सातवां बसंत है। एक बार पुनः दोहराता हूं फिर अपनी बात समाप्त करूंगा। घर ही में बाबुल बाढ़ल रारी, उठ उठ लागल चापल नारी, एक बड़ी जाके पांच सात, पांचों के पच्चीस हाथ, पच्चीस बतावे और बतावे कई एक ठोर, अंतर मध्य अंत ले, झकझोरी झोरा जी वही दे, आपन आपन चाहे भोग, कहो कैसे कुशल परी हैं योग,
विवेक विचार न करें कोई, सब खलक तमाशा देखें लोए, मुख फारी हंसे राव रंग, ताते धरे न पावे एको अंग, नीरे न खोजे बतावे दूर, चौंधित बागुल रहल पूर, लक्ष्य अहेरी एक जीव, ताते पुकारे पीव पीव, कहें कबीर जो अब की बार जो हो चुकाओ, कहें कबीर ताकि पूरी दाओ। ये अंतिम पंक्ति अत्यंत वजनदार है, पूरे साहस का प्राण फूकने वाली पंक्ति है। अब की बार चुकाव कर दो, वासना तृष्णा के पीछे न दौड़ो, पूरा दांव लग गया, पूरा जीवन कृतार्थ कल्याण हो जाएगा, दुख सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इस एक पंक्ति को मनन करना है, कैसा जीवन जीना है, बस सब काम बुरा, व्यवहार काम बढ़िया बनेगा, व्यवहार के काम में भी लोभ तृष्णा अधिकार की भावना स्वार्थ की भावना छोड़ करके काम करो, जो काम करोगे बढ़िया होगा। संयम साधना क्षेत्र में भी वासना तृष्णा छोड़ करके काम करो, वहां भी काम पूरा हो जाएगा। हर जगह के लिए पंक्ति हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करती है। सदगुरु कबीर हर जगह अंत में अपनी बात स्पष्ट रूप से कह देते हैं, अब पूरा साहस देते हुए अपनी बात कहते हैं, पूरा जगाते हैं वो, क्योंकि वो जगे हुए थे, उन्होंने सब कुछ अनुभव करके देख लिया था, अत्यंत वे अत्यंत जागृत पुरुष थे, सब तरफ कभी भी वे असावधान नहीं होते थे। इसलिए फिराक गोरखपुरी ने लिखा है कबीर साहब के बारे में, कबीर ऐसे व्यक्ति थे जिसके एड़ी से लेकर चोटी तक पूरे शरीर में आंख ही आंख थी। एक रूपक में है, पूरे शरीर में आंख कैसे होगी, आंख तो बस अपनी जगह पर होगी, मतलब एड़ी से चोटी तक आंख का मतलब अत्यंत सावधान, हर क्षण जागृत, हर समय हर जगह जागृत। वो चाहते हैं कि लोग भी वैसे ही जागृत हों, इसीलिए वे हर जगह स्पर्श रूप से अपनी बातें कह देते हैं। हमें समझना है, और समझ करके जब उन्होंने निर्देश किया उस रास्ते पर चलकर कल्याण का काम करना है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।